नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर के जंगलों में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही कुछ जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। इस एनकाउंटर में 12 से 15 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। नक्सलियों की इस कायराना हरकत को लेकर देश भर में आक्रोश है और जवानों के बलिदान का तगड़ा बदला लेने के लिए हर तरफ से मांग की जा रही है। उधर नक्सलियों के संग मुठभेड़ की घटना के बाद सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों की आपात बैठक हुई और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में आ गए हैं। वो असम में चुनावी रैलियां करने पहुंचे थे, लेकिन अब उन्होंने राज्य में रविवार को होने वाली अपनी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वापस लौटने से पहले गुवाहाटी में नक्सली हमले को लेकर कहा है कि सर्च ऑपरेशन जारी है, दोनों ही पक्ष हताहत हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उनके परिवार वालों को भरोसा दिलाता हूँ कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके अलावा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के शहीद होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रविवार को बात की और हालात का जायजा लिया। शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह को स्थिति का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ जाने को कहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के शहीद होने पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जवानों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरी संवेदना छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ हैं। वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। जानकारी के मुताबिक नक्सली जवानों की हत्या करने के बाद हथियार लूट ले गए थे। हमले का मास्टरमाइंड बटालियन नंबर 1 का हेड हिडम्बा है। माओवादियों का सबसे बड़ा बटालियन है ये। बता दें कि पिछले 10 दिनों में राज्य में ये दूसरी बड़ी नक्सली वारदात है। इससे पहले 23 मार्च को नारायणपुर जिले में सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस को नक्सलियों ने आईडी से उड़ा दिया था। पिछले साल 21 मार्च को सुकमा जिले के मिम्पा इलाके में एक नक्सली हमले में DRG के 12 सहित 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। खैर, अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह इस हमले पर क्या कुछ बड़ा एक्शन लेते हैं या फिर नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों को कौन सा बड़ा आदेश देते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि नक्सलियों को इस हमले का भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।